मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूं, भारतीय जनता पार्टी का। मेरे पास पूरा सबूत है और आज पहली बार नहीं, जो मुझे जानते हैं आप सबों को पता है कि मैं आज से नहीं, बचपन से ही, मैं क्या बोलूं, मैं तो एक संघी हूं और मैं भाजपा में रहा हूं। और जब से मैं रहा हूं हमेशा किसी न किसी पद पे, और अक्सर मैं प्रदेश के पदों पे ही रहा हूं, क्योंकि मैं पटना में रहता हूं। जिला में मैंने आज तक कोई पद नहीं लिया। तो फिर एक प्रदेश पदाधिकारी को एक डरपोक जिला अध्यक्ष कैसे हटा सकता है भाई? उन्होंने कहा है कि अनुशासनहीनता के अभाव में मुझे हटाया गया है। आप लोगों को मैं भारतीय जनता पार्टी के संविधान के विषय में, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में, वो हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के विषय में कुछ पता नहीं है, बकलोल है। आपने जयचंद का नाम तो दे ही दिया, अब वो बकलोल भी है। क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान है, अनुशासन समिति है, वो स्पष्ट कह रही है कि अनुशासन समिति प्रदेश में और केंद्र में होता है, ना कि जिला में होता है। तो मुझसे जो उन्होंने सवाल के जवाब मांगे हैं, मैं ऐलान के साथ कहता हूं कि सुनो, तुम अधिकृत नहीं हो मुझसे जवाब मांगने के लिए, तुम छुटका हो, कदे में रहो ना। क्यों सीमाओं को लांघ रहे हो? क्यों कुलद्रोही बन रहे हो? तुम ही को बचे थे ब्राह्मण कुल में कलंक लगाने के लिए क्या? और सुनिए क्या कहे हैं, जिस 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 पार्टी में जिस पार्टी में मैंने अपना जीवन समर्पण किया, जिस पार्टी के लिए मैं अपना जीवन दान करना चाहता था, अपना तन मन धन सब लगा दिया, जीवन का कण कण लगाया, उस पार्टी का एक तुच्छ व्यक्ति अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए मेरा निष्कासन निकालता है। मैं निष्कासन निकालने वाला एक ब्राह्मण का कलंकी बेटा, आप लोगों ने वो वायरल ऑडियो सुना ही होगा जो अभिषेक भाई ने पर्दाफाश करके निकाला। अभिषेक भाई, आपको नमन है, अगर आप वो ऑडियो बाहर ना निकालते तो शंकर झा की यह साजिश भाजपा भी नहीं जान पाती, यह देश नहीं जान पाता, मेरे मधुबनी के लोग नहीं जान पाते। शंकर झा ने उस शंकर झा ने उस वायरल वीडियो में कहा है कि गजेंद्र झा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं और केंद्र के नेताओं के बीच में, केंद्र के नेताओं के साथ मिलकर ब्रोकरी का काम करता है, दलाली का काम करता है। तो मैं आज इस आप लोगों के माध्यम से ऐलान कर रहा हूं
अरे भाई दलाली क्या होता है हमें तो नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तो साबित करो। जब तुम साबित करोगे 1 घंटे के अंदर आत्मदाह न कर लिया तो ब्राह्मण कुल का बेटा नहीं। अगर वाकई तुम्हारा जमीर जिंदा है, ब्राह्मण कुल का खून है, तो उजागर करो, मैं आत्मदाह कर लूंगा, दावे के साथ कह रहा हूं। नहीं तो मेरी सिर्फ इतनी ही गलती है ना। ए शंकर झा, मेरी सिर्फ इतनी ही गलती है ना कि एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं तो ब्राह्मण का अपमान बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतनी है ना। तुम जनेऊ तोड़ के जमीर बेच के राजनीति कर रहे हो और मैंने जनेऊ तोड़ के और जमीर बेच के राजनीति नहीं की, मेरी सिर्फ इतनी ही गलती है ना। मैंने हिंदुओं का सनातनियों सनातनियों का विरोध बर्दाश्त नहीं किया, इतनी ही गलती है ना। अरे कहीं तुम मौका तो नहीं खोज रहे थे, और कहीं तुम्हारे ही भाग्य से यह सिक्का टूट तो नहीं गया है, कहीं तुम मौका तलाश तो नहीं रहे थे। मुझे निकाल के तुमने मेरा मन हल्का कर दिया, और ये जो धमकियां दिलवाते हो ना तुम लोग, गजेंद्र जा पाकिस्तान से आया है, रिफ्यूजी है। अरे वो उसी मिथिला का लाल है, गजेंद्र झा मिथिला का बेटा है। मेरी और उंगली दिखाओगे, ये जो लंबी लाइनें पड़ी है ना, तुम्हारा हाथ काट देंगे। मुझे बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेसों के माध्यम से कोई कहता है गजेंद्र झा को उठा लेंगे, कोई कहता है कि सर काट देंगे, कोई कहता है कुचल देंगे। अरे सुनो, तुम क्या मुझे सर काटोगे, मैं तो कफन बांध के चला हूं। मैं तो अपना अस्थि कलश हाथ में लेके घूम रहा हूं, जब जब चाहो हरिद्वार में बहा देंगे, तुम अपनी चिंता करो, तुम्हारा क्या होगा। और हाँ, शंकर झा ने जब बात जब निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। शंकर झा ने जब कहा है कि गजेंद्र झा प्रदेश के नेता और केंद्र के नेता के बीच में ब्रोकरी करता है, तो शंकर झा जी आप बताइए भारतीय जनता पार्टी को भी, मधुबनी भारतीय जनता पार्टी के मधुबनी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और एक एक जनता को भी और एक एक ब्राह्मण के बेटा को भी बताइए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में कौन कौन नेता है जिसका दलाली गजेंद्र झा करता है। अगर मैं नेता का दलाली करता हूं तो कोई दलाल नेता होगा, उसी का ना दलाली करता हूं। तो आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता, शंकर झा के ऑडियो वायरल से ये स्पष्ट हो रहा है कि शंकर झा कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में नेता लोग दलाली करते हैं जिसका दलाली गजन झा कर रहा है। वो कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में कुछ दलाल नेता लोग हैं जिसका दलाली गजेंद्र झा करता है। मैं विनती पूर्वक कहना चाहता हूं शंकर भाई, जो भारतीय जनता में जनता पार्टी के प्रदेश में जो दलाल नेता हैं और केंद्र में जो दलाल नेता हैं जिसकी दलाली गजेंद्र झा कर रहा है, उसका नाम उजागर कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, एक अस्तित्व विहीन जिलाध्यक्ष जो आपके इस शेर जैसे सनातनी सेनानी का, जो आपको आपका ए मोदी जी सुन रहे हैं, मोदी जी, अरे मोदी जी सुनिए, वीर सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय के पादित पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पार्टी में गजेंद्र झा जीवन अर्पण करने आया था, कलंक लगा के बाहर कर दिए।
सब चीज पे जब मोदी जी आप ट्वीट करते हैं तो जीतन राम जी जब बार बार हिंदू देवी देवताओं को, बार बार हिंदुओं को और ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, आप काहे नहीं ट्वीट किए जी कि जीतन राम जी कम बोलो, इतना नहीं बोलो, काहे नहीं बोले जी, आप काहे नहीं फोन किए, आप काहे नहीं बताए शंकर झा को कि अपनी औकात में रहो, क्यों? वो तो आज केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व को गाली दे रहा है, शंकर झा से इस्तीफा लीजिएगा क्या? पार्टी के अनुशासन समिति शंकर झा से जवाब क्यों नहीं मांगती है? भारतीय जनता पार्टी में मैं रहूं ना रहूं, किसी राजनीतिक दल में मैं रहूं ना रहूं, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं और रहूंगा मैं, ये अब लड़ाई नहीं, अब आंदोलन होगा, भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी तय करे जिस राम के नाम पर, जिस हिंदू के राम पर आप सत्ता और सरकार में आए हैं भैया, उसका अपमान आप कैसे बर्दाश्त कर रहे? तुच्छ जीतनराम, क्या होगा बिहार में, सरकार न गिर जाएगी, फिर हम सनातनी आएंगे, आपको पूरी मेजोरिटी में लाएंगे, आप अपमान मत बर्दाश्त कीजिए सनातन धर्म का, सनातन धर्म का अपमान तो राम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, ब्राह्मण का अपमान तो, सन्यासी का अपमान तो ईश्वर भी नहीं बर्दाश्त करते, आप मोदी जी क्यों मौन है? अरे आपको तो हवा अवतार समझते हैं ना, अब कब मुंह खोलिएगा?